हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली आप लोगों का इंतजार हो चुका है खत्म और मैं लेकर आया हूँ अम्ब्रेला एकेडमी के एपिसोड नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन। तो क्या है इस एपिसोड में खास, चलिए देखते हैं। एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है 1968 के वियतनाम में। यहाँ पर क्लाउस ब्रीफकेस के साथ टेलीपोर्ट होता है एक सैनिकों की छावनी में। अचानक से युद्ध शुरू होता है तो बिना किसी सवाल जवाब के क्लाउस को सैनिकों के कपड़े पहनाए जाते हैं और उसके हाथ में एक बंदूक देके उसे युद्ध पर ले जाया जाता है। टूर के दौरान क्लाउस की मुलाकात होती है डेव नाम के एक सैनिक से और क्लाउस को डेव के साथ प्यार हो जाता है। फिर एक दिन युद्ध के दौरान भारी गोलीबारी होती है और उसमें डेव को गोली लग जाती है जिसमें डेव मारा जाता है। तो ये फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म होता है और कहानी प्रेजेंट में आती है। प्रेजेंट में अम्ब्रेला एकेडमी में फैमिली मीटिंग चल रही होती है। यहाँ पर लूथर सबको बुलाकर लाता है और लूथर सबको बताता है कि हेजल और चाचा नंबर 5 को मारने के लिए आए हैं क्योंकि नंबर 5 कयामत रोकने की कोशिश कर रहा है। तो एलिसन लूथर से पूछती है कि नंबर 5 ने भविष्य में क्या देखा था। तो लूथर बताता है कि भविष्य में वो सब लोग कयामत में मारे गए थे। इनकी फैमिली मीटिंग जब चल रही होती है तब एपिसोड में कुछ घटनाएँ होती है। वो कुछ इस प्रकार से होती है कि वान्या को समझ में आता है कि उसके मूड के हिसाब से वो आजू बाजू में होने वाली चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। जैसे जब उसे गुस्सा आता है तो वो वेदर चेंज होता है, स्ट्रीट लाइट के पाइप्स बेंड हो जाते हैं। लियोनार्ड को ये सारी बातें पहले ही पता होती है क्योंकि उसके पास सर हार्ग्रीव्स की किताब होती है। और जब वान्या को वो किताब लियोनार्ड के बेड के नीचे से मिलती है तो उसे समझ में आता है कि उसकी वो भी कोई ऑर्डिनरी किड नहीं है, उसके पास भी सुपर पावर्स है। इधर लूथर को पता चलता है कि 4 सालों के लिए उसे मून पर भेजा गया था वो बहुत बड़ा झूठ था। सर हार्ग्रीव्स ने एक मिशन के नाम पर उसे मून पर भेजा था लेकिन असलियत में ऐसा कोई मिशन था ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ डिएगो की मॉम के साथ मुलाकात होती है और डिएगो मॉम को फिर से स्टार्ट देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि डिएगो ने मॉम को शटडाउन किया था, क्योंकि डिएगो को लगता है कि मॉम को पता होगा कि डिएगो ने उसे शटडाउन किया था। तो मॉम से पूछता है कि क्या उसे पिछली कुछ बातें याद आ रही है। तो पोगो इशारे में मॉम से कहता है कि डिएगो को कुछ भी नहीं बताना है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस एपिसोड के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हैंडलर नंबर 5 को लेके कहीं पर टेलीपोर्ट हो गई थी। तो वो टेलीपोर्ट होकर आते हैं 1955 में। यहाँ पर हैंडलर नंबर 5 को द कमीशन्स के हेडक्वार्टर में लेकर आती है। यहाँ पर हैंडलर नंबर 5 को केस वर्कर से मिलाती है, केस मैनेजर से मिलाती है और साथ ही नंबर 5 को ब्रीफकेस रूम भी दिखाती है। तो कमीशन हेडक्वार्टर एक ऐसा ऑफिस होता है जहाँ से सारी टाइमलाइंस को कंट्रोल किया जाता है। मतलब अलग अलग टाइमलाइंस में जो अलग अलग टाइम ट्रैवल किलर्स होते हैं उन्हें किसे मारना है या फिर किसे बचाना है, इन सारे चीज़ों के हिंट्स के जो मैसेजेस भेजे जाते हैं वो यही इससे भेजे जाते हैं। और इससे पहले भी हमने एपिसोड में कई बार देखा था कि हेजल और चाचा को मैसेजेस आते थे, वो सारे मैसेजेस उन्हें इसी कमीशन हेडक्वार्टर से भेजे जाते थे। और हर टाइमलाइन को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल केस वर्कर को रखा जाता है। हैंडलर नंबर 5 को दिखाती है कि अलग अलग टाइमलाइंस में मैसेजेस कैसे भेजे जाते हैं और उसे भी एक केस वर्कर बनाया जाता है। हैंडलर नंबर 5 पर कड़ी निगरानी बनाकर रखती है क्योंकि उसे पता होता है कि नंबर 5 कयामत को रोकने के लिए और उसके फैमिली को बचाने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश ज़रूर करेगा। तभी नंबर 5 को पता चलता है कि कयामत की टाइमलाइन को कंट्रोल करने का काम डॉट्स नाम की एक केस वर्कर को दिया गया है। नंबर 5 डॉट्स के टेबल से उस केस की फाइल चुराता है। उस फाइल में हेजल और चाचा के लिए एक मैसेज होता है जिसमें लिखा रहता है कि हेरोल्ड जेनकिंस को बचाओ। लेकिन नंबर 5 यहाँ पर एक होशियारी करता है, वो उस मैसेज को उस फाइल से हटाता है और हेजल को एक मैसेज भेजता है कि चाचा को मार दे, और चाचा को मैसेज भेजता है कि हेजल को मार दे। जब हैंडलर को इस बारे में पता चलता है तो वो नंबर 5 को मारने की कोशिश करती है लेकिन 5 टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करके बच जाता है और हैंडलर को ग्रेनेड से उड़ा देता है। उसके बाद वो ब्रीफकेस रूम में पहुंच जाता है, वहां से वो एक ब्रीफकेस उठाता है और वहां भी ग्रेनेड से धमाका करके उस ब्रीफकेस रूम को उड़ा देता है। यहाँ से नंबर 5 ब्रीफकेस को लेकर टेलीपोर्ट होता है और अब तक हमने एपिसोड में जो भी कुछ देखा है वो सब कुछ रिवाइंड होता है।
और रिवाइंड होकर कहानी सीधे वहाँ पर आती है जहाँ पर फैमिली मीटिंग चल रही होती है। नंबर 5 टेलीपोर्ट होके सीधे फैमिली मीटिंग में आकर गिरता है और यहाँ पर आकर वो बताता है कि अभी कयामत होने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं और उसे पता है कि कयामत जिस आदमी की वजह से आने वाली है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। और इसी के साथ वो एक लेटर एलिसन को देता है और एलिसन उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें नाम लिखा रहता है हेरोल्ड जेनकिंस का, मतलब हेरोल्ड जेनकिंस की वजह से वहाँ पर कयामत आने वाली है 3 दिनों के बाद। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।